गर्ग संहिता, आज भी गर्ग संहिता से लोग ज्योतिष का निवारण करते हैं, उस गर्ग को बुलाए थे। इसी के कहने के बाद अपनी बारी को विश्राम में दूंगा। आज ज्योतिष के बारे में, चमत्कार के बारे में जब बात होने लगी, नंद बाबा बुलाए थे कि अपने लड़के के नामकरण के लिए गर्ग को। गर्ग ज्योतिषाचार्य हैं, कंस के गुरु हैं, यदुवंशियों के गुरु हैं, पुरोहित हैं, कुल गुरु भी हैं। नंद ग्वाले का कैसे नामकरण करेंगे? करेंगे राजगुरु का एक अपना ओहदा होता है। नंद गोप हैं, इसलिए उन्होंने, नंद ने कहा कि हम प्रभु हमारे लड़के का नामकरण आइए कर दीजिए, मैं 1000 गोदान दूंगा। 1000 गोदान पर कहेगा ठीक है मैं आ जाऊंगा। तू बिना दक्षिणा को बुलाना चाहेगा, कैलाश तो कैसे जाएगा? कहा जी आचार्य संतोष जी यहां जग कर रहा है, तुम कहे कि हम देंगे, चलो रोज देंगे 1,00,000 रुपया, तो कहेगा ठीक है चल रहा हूं तुम्हारे यहां। है ना, नंद जी कह दिए कि 1000 गौ में दान देंगे, चले गए। जब उसको कहे कि तुम तो गोप हो, कहां हम बैठे, गौशाला में अपना आसन लगाए, कृष्ण को लाया गया। कृष्ण का रेखा उखा देखे, हाथ वाथ देखे, जन्म का तिथि मुहूर्त देखे, कहे कि यार लड़का तो बड़ा भाग्यशाली मालूम हो रहा है, ये तो लाखों लाख गाय चराएगा, एक साथ लाखों गाय चराएगा, बहुत शुभ लक्षण का है, राजा बनने का कैसे कहते, कंस है राजा है ही, लाखों लाख गाय चराएगा, तुम्हारा भाग्य बदल देगा। इसका नाम सबको अपने तरफ आकर्षित करेगा, इसलिए इसका नाम कृष्ण रहेगा। बड़े भाई का भी नामकरण था, उनको भी देखे कि गरीब तो बहुत शक्तिशाली होगा, बल बल इसमें भी निवास करेगा, इसलिए नाम इसका बलराम होगा। चलो एक गाय के दक्षिणा में तुम दोनों का नामकरण करा लिया, चलो। कहे कि नहीं प्रभु जरा आप हमारे यहां प्रसाद पा लीजिए। कहा कि तुम्हारे यहां कैसे मैं प्रसाद पालूं, मैं क्षत्रियों का पुरोहित हूं, कुल गुरु हूं, तुम्हारे यहां पाऊं? कहा कि ठीक है इसमें दूध दे रहा हूं, चावल दे रहा हूं, खीर अपने गौशाला में बना लीजिए। कहा कि चलो अच्छा तुम्हारे कहना बात मान लेते हैं। देखो एक ज्योतिषी है, त्रिकालदर्शी है, मैं ज्योतिषी पर बात करने लगा। यह कितना हूं जान जाएगा, आत्मज्ञान तुझे नहीं हो पाएगा। संसार में प्रसिद्धियां मिल सकती है, आत्मा आत्म प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, और तुम उधर से बहिर्मुख हो जाएगा, परमात्मा से दूर होते चला जाएगा। जब प्रसाद बना लिए, 2 बज गया, शाम बजने लगा, 2 जाना भी है उनको मथुरा, तो जब प्रसाद बनकर तैयार हुआ तब हाथ जोड़ करके ध्यान किए तो दियम वस्तु गोविंदम तुभिमेव समर्पयम, देख रहे हैं कृष्ण आकर भोजन कर रहा है, खा रहा है। अरे बड़ा जोर से चिल्लाया जसोद नंद को, अरे मूर्ख कहेंगे देख तुम्हारा लड़का एक वाला आकर के छू दिया गोप। इसीलिए हम कहें ना निम्न वर्णों की नहीं जाना चाहिए, कोई व्यवहार नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई आचार नहीं, कोई विचार नहीं। तुम्हारा लड़का यह भी नहीं जानता है कि पंडित जी यहाँ आए हैं, ज्योतिषी जी आए हैं, हम राजाओं के गुरु हैं, तुम्हारे यहाँ आ गए, क्या हमारा मान सम्मान किया, देखते मेरा जुठ कर दिया, अब श्राप देने का इच्छा कर रहा है। जिसे श्राप निकलती है, जिसमें श्राप निवास करती है, आशीर्वाद निवास करती है, उसको तो श्राप देने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन देखो नहीं पहचान पाए, दुर्वासा ही नहीं गर्गाचार्य भी नहीं पहचान पाए। एक भी विद्वान आदमी समय के सदगुरु को पहचान नहीं सकता है, उसे अपनी विद्वता का घमंड है, अपनी प्रतिष्ठा का घमंड है। वहां सबरी पहचान गई और यहां कुबरी पहचान जाएगी, सस सबरी कस कुबरी। लेकिन
न दुर्वासा जी पहचान पाए, न वशिष्ठ पहचान पाए। यहां पर भी देख लो, तुम लोग कहते हो क्यों नहीं पहचान लेंगे। यशोदा माई बहुत पैर और पकड़ी गर्गाचार्य का, प्रभु कृपा कर दीजिए, इस बार बना लीजिए, अपने पा लीजिए, अब ऐसा गलती नहीं होगा। कहा कि नहीं नहीं, अब नहीं जाऊंगे, हम तुम्हारे लोग भाग रहे हैं, तुम लोगों कोई धर कम कर्म नहीं है। नंद जी कहे कि 500 गायें और देंगे प्रभु, 500 देगा और चल बना लेते हैं। ला बताओ, 500 गाय फिर बनाने लगे। अब बनाते बनाते शाम 4 बज गया, लकड़ी से ना गैस तो नहीं था ना, गोईठा से वो धुआं भी लगेगा आँख में। बनाए फिर भोग ओग तुलसी दल डाले, फिर भोग लगाए, फिर आकर खाने लगा वो बदमाश लड़का, फिर चिल्लाए करे फिर कर दिया जूठा, तू नाटक करते हैं, उसको लड़कों को भेज देता है, अब इस बार तो श्राप देंगे ही देंगे। फिर नंद बाबा है और यशोदा आके दोनों पैर पकड़ लिए कि बाबा ऐसा मत करो, बड़ा बुढ़ापा में तो एक लड़का हुआ है, हम जानते हैं बदमाश है, यह शरीर से काला नहीं है, भीतर से भी काला है, आग जाता है तबे ना इसका आप नाम कृष्ण रखे काला, लेकिन इसे श्राप मत दीजिए, बुढ़ापा का लड़का है, बुढ़ापा का लड़का प्रिय होता है ना। 500 और हम दक्षिणा देंगे बाबा, इस बार पा लीजिए बस, 500 गाय फिर। कहा कि 500 फिर देगा आता हूँ, इसको पहले ताला बंद कर। कहा गया ताला बंद कर, चाबी आपको दे जाते हैं। ताला बंद कर चाबी रख लिए गर्गाचार्य, फिर बनाने लगे। कहे कि चलो अच्छा, 1000 गाय था, 500 फिर मिल गया, क्या हर्जा है, 2000 गाय तो हो गई, हाकेंगे अब यहाँ से, गिनने में भी टाइम लगेगा गाय। फिर बनाए, फिर गर्गाचार्य जब भोजन करने बैठ गए, फिर वह लड़का तो दी हम बस गोविंदम तुभ में समर्पय हम किए, भूख लगे छटपटाए भी रहे थे, फिर लड़का आकर भोजन करने लगा। जब इस पर गर्गाचार्य बोलने के हुए तो कृष्ण एक हाथे खा रहा है, खाते खाते चुप। कहा क्यों गर्गाचार्य, मुझे पहचाना नहीं, बार बार प्रार्थना कर रहा है तो दिए बस गोविंदम तुम्हें समर्पयम, मुझे समर्पित कर दिया, मैं भोजन करने आ भी गया, इतना बड़ा नाटक, इधर भोजन भी कराता है, इधर श्राप भी देता है, मारता भी है, मेरे माँ बाप से दंड भी वसूलता है, यह कहाँ उचित है गर्गाचार्य। और गर्गाचार्य जब देखते हैं आँख खोल खोल करके, तब विराट रूप देख लिए, आंखें दिव्य चक्षु खुल गई, शायद भगवान कृष्ण दक्षिणा दे दिए नामकरण का, उधार तो रखते नहीं है वह। और आंखें जब खुल गई, देखते हैं इनका विराट रूप, तब कृष्ण के जूठा तो खाए ही नहीं, उसमें लोट पोट लिए, उसी में स्नान किए, लोटे पोटे, और तब से कहे कि अब मैं छोड़ दिया, आज के बाद ज्योतिषी काम पुरोहिती काम मैं छोड़ा, मुक्त हुआ। नंद और यशोदा आकर गोल पर गिरे कि क्या हो गया लड़कवा, मैं जूठे में लपेट दिया, कहा बाबा के देह में। यशोदा माई कान पकड़ी है, क्या कर दिया रे, एक कान पकड़ा है नंद बाबा, दोनों दूसरे कान ऐठे जा रहा है, क्या किया, मारेंगे थप्पड़न। कहा पूछ लो अपने बाबा से, मैं क्या जानता हूं। एक तरफ तो उपदेश दिया, एक तरफ कह रहा है कि माई हम कुछ नहीं कहें, अपने बाबा से पूछ लो। बाबा कह रहे कि छोड़ दो, अब मुझे यह बंधन से मुक्त कर दिया है, मैं दक्षिणा पा गया, अब तुम्हारा एक गाय नहीं ले जाऊंगा। कहा कि सो कैसे, हम लोग संकल्पित हो गए हैं 2000 गाय के लिए। कहा किसी गरीब को दान दे दो। अब गर्गाचार्य आज के बाद दक्षिणा लेगा ही नहीं, गर्गाचार्य तो इतना दक्षिणा आज पा गया कि इसका जीवन ही मुक्त हो गया। खैर गर्गाचार्य चलते चलते भगवान कृष्ण ने अपना दक्षिणा पूरा कर दिया। तुम लोगों से भी मेरा यही प्रार्थना है कि अपनी विद्वता को छोड़ो, तर्कों को छोड़ो, स्वर के माध्यम से गहराई में डूब जाओ और तुम भी उस विराट रूप को देख लो, और यह
तर्क वितर्क को छोड़ करके, गर्ग संहिता को छोड़ करके, तुम भी उस विराट रूप को दर्शन करके उस परम पुरुष में विलीन हो जाओ। कितने बार जन्म लेगा, कितने बार प्लानिंग करेगा, वन फॉर एवर। अब एक बार छलांग लगा लो, पा जाएगा। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। लेकिन एक वकील बच्चे देखो पीछे बैठा है, कह रहा है कि गुरुजी पाप से लक्ष्मी बहुत बढ़ रही है। कह रहा नहीं बढ़ती है बच्चा, लक्ष्मी यदि बढ़ रही तो 5 या 7 या 5, 7, 12। कहा गया है धर्म बहुत दुख देता है 5 वर्ष 5 और 7, पाप बहुत सुख देता है वह भी कहा गया 5 या 7, 5 वर्ष या 7 वर्ष या 7, 5, 12 वर्ष। 12 वर्ष का ही एक युग होता है। और तुम समझते हो कि पाप कर्म तुम्हें सुख दे रहा है, सुख नहीं देता है। वस्तु तो वह ऐसा है, तुम लोगों को भी जमराज के चलकर अकाउंट दिखाएंगे, तुम्हारा सबका अकाउंट तुम्हारे साथ घूम रहा है। ब्लैक बॉक्स बताए हैं तुम लोगों को साधना में, तुम्हारा ब्लैक बॉक्स तुम्हारे साथ ही घूम रहा है। चाहे जो भी तुम कर्म कुकर्म कर रहा है वह तुम्हारे साथ है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और उस तरह का ही सरकमस्टांसेस क्रिएट होता है। जब हम शुभ संकल्प लेते हैं तो शुभ संकल्प लेते ही तुम्हारे इर्द गिर्द शुभ वृत्तियां छाने लगती है, और शुभ वृत्तियां इतनी संकल्पवान हो जाएगी कि तुम्हारे इर्द गिर्द सब शुभ घटनाएं अपने आप घटने लगेगी। जब तुम अशुभ संकल्प लेता है तो अशुभ जो है वृत्तियां घटने लगेगी। इसलिए हमारे संकल्पों पर डिपेंड करता है। तुम सोच सकता है कि तुम लोग का लड़का कि कहते हो ले जाकर के बेटा जरा जूस पी लो, लड़का कह रहा है कि नहीं पापा पच नहीं रहा है, पेट में अभी जगह नहीं है, पच नहीं रहा। एक लड़का ऐसे भी रोड पर घूम रहा है जो कह रहा है कि हमारे पेट में पचाने के लिए कुछ नहीं है, माँ कुछ दो, दूध दो। उसकी माँ आटा जो है, आटा जगता है ना, आटा घोर करके कच्चे, और वह लड़के को कहती है कि दूध है पी लो, और लड़का वह दूध समझ करके पी लेता है और वह दूध भी उसको डाइजेस्ट हो जाता है। तुम्हारा लड़का यदि कच्चा रोटी खा ले तो सीधे हॉस्पिटल की तैयारी करनी पड़ेगी। तो कैसे हम नहीं समझे, यज्ञ यह भी है कि तुम उसका हक छीन करके तो अपने बेटे में दे रहे हो, कैसे स्वस्थ रहेगा, नहीं रहेगा। कहीं नहीं कि उसका हक छीन रहा है, जाने और अनजाने छीन रहा है। यह समझ रहा है कि नहीं मेरी प्रतिभा है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अर्जुन जो स्वयं कमाता है, स्वयं खाना बनाता है और खा लेता है, वह समझो कि सृष्टि का सबसे बड़ा चोर है, इस पृथ्वी पर रहने का अधिकारी नहीं है। तो फिर कह देगा तुम लोग यह तो बड़ा गड़बड़ कहा है कृष्ण, है ना जी विनोद सीए, यह कृष्ण कहने का अधिकार नहीं है। मैं तो मेहनत से कमाया हूं, परिश्रम से कमाया हूं, क्यों दूं मैं, यही कहेगा संतोष ना तुम। लेकिन वह देखता है उसकी अनंत भुजाएं हैं। क्यों कहा गया है अनंत भुजाएं, यह है कि अपने देखता है कि कौन मेरे लड़के प्रतिभा संपन्न है, उन प्रतिभा संपन्न लड़कों के हाथ से और कुछ कमवा देता है कि लो तुम 10 कमा सकता है, मैं उस पर 1 सोना लगाकर 100 प्रदान करा देता हूँ, या इसलिए प्रदान कर देता हूँ कि चलो तुम 10 में अपना काम चला लो, 90 तो दे दो इधर उधर। कहा कि नहीं मैं दे सकता हूँ तो मेरा मेहनत है। कहा कि चलो ठीक है 90 खा जाओ, 10 तो दे दो, 10%। जब वह भी नहीं दे रहा है, समझ रहे कि अपनी ही प्रतिभा है, तो वह शक्ति खींच लेता है। तब हम लोग चक्कर में ज्योतिषियों के भागते हैं और कहते हैं कि जरा हमारा भाग देख दीजिए। ज्योतिषी को मौका मिल जाता है और वह कहता है आप शनि चढ़ गया, राहु चढ़ गया, केतु चढ़ गया, हम भी चढ़ा देते हैं। चूंकि यह डिपार्टमेंट रिकवरी डिपार्टमेंट है, शनि राहु केतु रिकवरी डिपार्टमेंट है सरकार का, भगवान का।
जो पृथ्वी तप रही है, पृथ्वी अन्न दे रही है, सूर्य तप रहा है, बादल बरस रहा है, हवा चल रहा है, तुम घर में पंखा और एसी चलाता है उसका तो बिल भर आता है, पानी का मीटर का भी बिल भर आता है, जाड़ा लगता है तो हीटर चलाता है गर्मी, उसका भी बिल भर देता है। लेकिन परमात्मा की जो सृष्टि इतने चलाया जा रहा है, इसका बिल नहीं देगा? जब इसका बिल नहीं देता है तो वहाँ से खबर आता है डिपार्टमेंट से, हेलो ये फलाना फलाना डिपार्टमेंट का इतना बाकी हो गया, बाकी हो गया फाइल भेज दो शनि के यहाँ। शनि कहता है कि हम ओवरलोडेड हैं, फाइल अभी रिकवरी, तो राहु के यहाँ भेज दो। राहु कहता है कि हमारे पास भी ओवरलोड है, तो केतु के यहाँ भेज दो। यह जो है डिपार्टमेंट रिकवरी डिपार्टमेंट है। जब फाइल वहाँ जाती है, वह आ जाता है वसूल करने के लिए, और तुम हॉस्पिटल चले जाते हो, आईसीयू में भर्ती हो जाते हो, डॉक्टर पैसा वसूलने लगता है, डॉक्टर का प्रार्थना करने लगते हो, हे डॉक्टर चाहे जितना पैसा ले लो लेकिन इसे बचा लो। डॉक्टर क्या बताएगा, डॉक्टर के तो पॉकेट में वो दे गया है इतना रिकवरी है 1,80,880, इतना का बिल है, इसे कम यदि पेमेंट हुआ तो डॉक्टर मैं तुम पर चढ़ जाऊंगा। आज जब गुरुदेव साधना करवा रहे थे तो उन्होंने मेरे को सभी को आदेश दिया कि अपने आप के अंदर लीन हो जाएं। जैसे ही मैंने अपना ध्यान अंतर्गत किया तो मैंने देखा कि मैं अपनी बॉडी से डीअटैच हो गया हूँ, अपनी बॉडी से जुदा हो गया हूँ, और एक जैसे आप फिल्म देख रहे हो उस तरीके से मैं सब एक्टिविटीज़ होते हुए देख रहा था। आहिस्ता आहिस्ता क्या होने लगा कि प्राण इतना एनर्जाइज्ड हो गया कि मेरी पूरी बॉडी एनर्जी से भर गई, और इतनी पावरफुल एनर्जी थी कि उसको देखने में भी दिक्कत आ रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे मूलाधार चक्कर पे आग लगनी शुरू हो गई, आग की लपटें लगी, और थोड़ी देर के अंदर वो बहुत तेज़ हो गई, और फिर थोड़ी देर बाद बिल्कुल ख़त्म हो गई। और बिल्कुल जब वो ख़त्म हो गई उसके बाद मैं पूरा ही एनर्जाइज था, नीचे से लेके ऊपर तक ऊर्जा से मैं भरा हुआ था जैसे कि एक पावर हाउस हो, और आहिस्ता आहिस्ता मैं फ्लोट करने लगा उसके अंदर, और फ्लोट करता करता अपने आज्ञा चक्कर तक पहुँचा। आज्ञा चक्कर के अंदर के ऊपर इतनी पावरफुल वाइट कलर की ऊर्जा थी कि बर्दाश्त करनी और बतानी बहुत मुश्किल है। जिसका स्रोत और जिसका सोर्स था गुरु पर्वत, गुरु पर्वत से आ रही थी। तो मैंने ऊपर देखा तो उस ऊर्जा को नमन करते हुए मैं गुरु पर्वत के पास गया, तो वो गुरु पर्वत के ऊपर इतना बड़ा ऊर्जा का भंडार था जो कि देखते हुए भी ख़त्म नहीं हो रहा था। एक दिल तो कर रहा था कि हाँ चल देखते हैं ऊपर जाके क्या है, मगर वो क्योंकि एक दो दफ़ा पहले भी ऊपर जा चुके थे, इतना क्रेज़ नहीं है, तो गुरुदेव से बहुत इतना उस टाइम भाव से भरा हुआ था कि मैं गुरुदेव के चरणों में समा गया। जैसे ही मैं चरणों में समा गया मैं अनलिमिटेड एनर्जी के अंदर प्रवेश कर गया, जिसका कोई अंत नहीं था, जिसका समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू हुई है कहाँ पे ख़त्म हो रही है, और वहाँ पे बैठा एक आनंदमयी स्थिति में बैठा रहा। उसके बाद क्या हुआ क्या चलता रहा कोई पता नहीं, बस जब एंड में गुरुदेव ने कहा अच्छा आप सभी लोग अब वापस आइए, तब वापस आए। गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतनी कृपा की, हम जिसके लायक भी नहीं थे वो भी गुरुदेव ने हमें बख्शा, धन्यवाद। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का उत्तराखंड कार्यक्रम दिनांक 18 से 23 जून तक सद्गुरु धाम आश्रम बद्रीनाथ में स्वर योग साधना शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में साधना प्रशिक्षण पूज्य गुरुदेव द्वारा दिया जाएगा। इच्छुक साधक अपना निबंधन 11 जून तक अवश्य करा लें। संपर्क सूत्र 0996843023।